अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल और आप लोग देख रहे हैं अब्दुल्ला स्पोर्ट अपडेट। तो आज मेरे पास आप लोगों के लिए क्रिकेट के हवाले से कुछ अपडेट है, मगर शुरू करने से पहले मैं आप लोग से दरख्वास्त करना चाह रहा हूं कि अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें अब्दुल्ला स्पोर्ट अपडेट को और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी बजाएं ताकि आप लोगों को मजीद लेटेस्ट क्रिकेट एंड रेसिंग अपडेट मिलती रहे। शुक्रिया। भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर गौतम गंभीर का कहना है कि मोदी सरकार को पाकिस्तान क्रिकेट ताल्लुकात खत्म करने के साथ साथ हमसाया मुल्क के लोगों को अपनी हर इंडस्ट्री में काम देने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दे। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू के दौरान गौतम गंभीर का कहना था कि पाकिस्तान के साथ सिर्फ क्रिकेट खेलना बंद करना काफी नहीं, अगर इन पर पाबंदी लगानी है तो इन्हें तमाम शुबा जिंदगी में काम देने से इनकार करना होगा, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, म्यूजिक या कुछ और। किसी भी पाकिस्तानी को भारत में काम करने की इस वक्त तक इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए जब तक पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ जाते। गौतम गंभीर का मजीद कहना था कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में हमने पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की कोशिश की है लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। हर मुल्क के सब्र का एक पैमाना होता है, आप पहले बातचीत करते हैं लेकिन एक वक्त आता है जब आपको सख्त एक्शन लेना होता है। तो दोस्तों, ये थी गौतम गंभीर के हठधर्मी के हवाले से कुछ अपडेट। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इंडिया की किसी इंडस्ट्री का मोहताज है? इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो दोस्तों, ये थी क्रिकेट से जुड़ी कुछ खबरें। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अब्दुल्ला स्पोर्ट अपडेट को और साथ वाली बेल आइकन की अलामत पर क्लिक करें ताकि आप लोगों को मजीद स्पोर्ट अपडेट मिलती रहे। शुक्रिया। इन अल्लाह हाफिज़।